सो वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल राधी व्लॉग गाइस। तो टुडे आई एम स्पीकिंग इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश इज माई मदर लैंग्वेज। सो गाइस वी आर गोइंग हेयर समबडी एल्स। चलो हिंदी बोलते। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे? शॉपिंग। तो गाइस हम लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं, आज बहुत दिन के बाद शॉपिंग करने जा रहे हैं बिकॉज इनके उसका बेटे का है बर्थडे, उसके लिए हमने लेना है। मेरा बेटा है, तुम्हारा क्या है? मेरा भतीजा। हाँ। इनका बेटा, तो ऑडियंस को बताना पड़ेगा ना, आपका बेटा होगा तो मेरा भतीजा ही हुआ ऑब्वियसली। व्हाई आर यू गोइंग लाइक दिस मैन, यू आर वेरी वेरी बैड मैन। तो गाइस सबसे पहले हम जाएंगे शॉपिंग करने, मैंने अपने लिए कुछ नहीं लेना क्योंकि अपने पास नहीं है रोकड़ा। भाभी ने कुछ लेके दे दिया वो अलग बात है, बाकी व्लॉग में देखना कितने दया दिल है कि नहीं है। बाकी आप क्या करने जा रहे हो? तो मेरा भी बेटा है वो। हाँ। क्या? हाँ शॉपिंग करने जा रहे हो, वो तो जाके पता चलेगा ना। मेरा बहुत काम है गाइस, तो अब देखते हैं हम क्या लेंगे, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो आज हम आए हैं बर्थडे का सामान लेने, तो सबसे पहले हम लेंगे बैलून्स और हम सोच रहे हैं कि क्या क्या लें, उसके बाद घर जाके करेंगे डेकोरेट। तो देखते हैं गाइस क्या क्या लेते हैं। भाभी पहन के दिखाना। सो गाइस आपको भाभी कैप पहन के दिखा रहे हैं। ये देखो। ये क्यों उदास हो, खर्चा ज्यादा हो गया? अपने बच्चे के लिए खर्चा नहीं कर सकते? ऑडियंस देखना चाहती है आप ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। आप कंजूसी नहीं चलेगी वरना मैं डाल दूंगा सब। चलो बस इतना ही होता है, और तो कुछ होता नहीं। भैया कुछ भी दिखा दो, ये ब्लॉग बन रहा, कुछ भी ले सकते हैं भैया। अच्छी अच्छी चीजें दिखाओ। क्या क्या लिया है एक्सप्लेन करो भाभी, बताओ। सबसे पहले तो दीपक जैसा एक कुत्ता लिया है। और बैलून्स लिए हैं हमने। अच्छा, और ये हैप्पी बर्थडे लिया है हमने, और ये क्या लिया है मैंने, और ये केक बनाने के लिए मैंने इसके लिए लिया है व्हिप्ड क्रीम। ओके, बाकी दीपक लेके दे रहा है। सो गाइस आपने देख ही लिया, इतने से सामान के लिए ही वो रो रहे हैं, अभी तो आगे पता नहीं क्या क्या होगा। भाभी अभी तो सिर्फ 250 रुपये खर्च हुए आपके। कमेंट करो गाइस कमेंट। जहाँ मुझे ना मेरा खर्चा करो ना, और जो खाया ना उसके बिल में डालना, ठीक है? मेरे बिल में डालना। हाँ ये देखो कंजूस, तो क्या हुआ 40 रुपये खिला दोगे तो? बोलना मामला से बहुत सीख नहीं लगे, ये बोलना 100 का नहीं मिलता, आप यहाँ पे और शॉप है बाहर ही निकलोगे, उनसे पूछना बंद कर। आपको इतना जेन्युइन रेट लगाया, ये भी 90-90 का सेल करते हैं। बार्गेनिंग करना सीखो। देखो तबल दबाना तबल, 60 रुपए के लिए थे, 70 लगा है। मैंने 60 का लिया था, मैंने 60 का लिया था भैया, 60 का लगा दो यार। कॉस्ट भी नहीं पड़ती 60 तो मेरी। नहीं 60 लगा दो, लगा दो उसका तो ले ऊपर लिया आपने। हां 60 का लगाओ। 120 हो गया, एक बिल देता हूं मैं आपको। देखो गाइस मैंने खाया था और इतना भेदभाव, अब मुझसे ही पैसे ले रहे हैं, बताओ क्या जायज है? ऐसा होना चाहिए घर, एक घर पे ऐसा होना चाहिए, बताओ कमेंट पे बताओ। चलो दीपू 180 दे दो। क्यों खाया नहीं आपने? एक घर में हमारा होता है, आपका या मेरा नहीं होता भाभी। दिन दीपक पैसा ना दी का मारा था। कहाँ से दूँ? नहीं देख तो मेरी जेब में पैसा है कि नहीं। 200 दिनों ना 200 मुझे खिलाएगी नहीं। तो शक्ल दिख रही है मेरी, पैसे देख रहा है कि नहीं? पैसे तो है ही नहीं।
गूगल पे है, गूगल पे करा दो। तो कहीं बहाना मारा था पैसे नहीं है फिर भी गूगल पे करवा रहे हैं। करने पड़ेंगे यार, क्या यार खाता हो गया तुम्हारे साथ आके। आज का डे बहुत ज्यादा टाइडी निकला गाइस। हम निकले थे सुबह सुबह नहीं दोपहर को ही हुआ, 12 बजे निकले थे और अब बज चुके हैं पूरे 8 और हम लेने आए हैं इनके बच्चे का गिफ्ट। अरे देखो थक के चूर हो चुके हैं। 15वीं दुकान से भी कुछ पसंद नहीं आया, तो मतलब 4 घंटे हो गए कपड़े लेने घूमने पर कुछ समझ नहीं आ रहा क्या ले क्या नहीं। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट शॉप, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो आ चुके हैं 20वीं दुकान में, शिद्दत होने लग गया गाइस। कंफ्यूज लेडीज, डिस्काउंट हो जाएगा, डिस्काउंट की टेंशन मत लो, आप चीज पसंद करो। दीपक देखना कौन सा वाला लेना। डे 2 डे 3 डे 4 सो गाइस फाइनली 2 घंटे बाद इनको कुछ पसंद आया है और साथ में फिर से कुछ देखने वाले हैं। लेना इन्होंने अभी भी कुछ नहीं है, बस सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। मैम इसके साथ सिर्फ बाइक जाएंगे मैम, नहीं हम जबरदस्ती इसके साथ सिर्फ बाइक ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ ये गाइस कमेंट में बताओ गंदा कर देगा वो, बहुत बुरी तरीके से। मैम गंदा तो धोना तो पड़ेगा ना। मुझे लगता है ना ये चला जाएगा, ये भी जाएगा जाएगा अच्छा कलर है। इसके साथ ब्लैक भी जाएगा, सर इसी कलर में कोई और वो है डिजाइन। राधिक राधिक ब्लॉग, सो गाइस प्रमोशन होगी, एक सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा शायद। ये भी शेड अच्छा है। ये देखो व्लॉग से ही पैसा निकलना है, जो जो सामान खरीदा है। ये भी अच्छा आर्टिकल था, वो वैसे उसका जैसे वाइट नहीं है फिर तो फिर ये यूनिक चीज है, सबसे यूनिक चीज है। गाइस जो सब गंदा हो जाता है बच्चे के लिए चाहिए। तो गाइस अगर बच्चे गंदे करते हैं तो वाइट बनाते क्यों है ना, बच्चे के लिए बनाया है वो। ये देख लो फिर, सर मेरी बात सुनो, व्हाइट बिकते है कि नहीं यहाँ पे बच्चों को, बिकते हैं तो बिकते सबसे ज्यादा। बस ये देखो व्हाइट ही पहना है आज, ना कि बच्चे ही व्हाइट ही पहना है ना। अगर बच्चा बाहर घूमने जा रहा है इसके साथ व्हाइट, तब थोड़ी गंदा करेगा। अब मॉल में जा रहे हो मिट्टी में थोड़ी लौटेगा 8 साल का बच्चा। वैसे पैसे ही कह रहे हैं मॉल से कितने मिट्टी का, लड़कों का दिमाग होता है। और आप लोग गेस करोगे हम कौन सा कलर लेंगे, चलो आपको हम घर जाके दिखाएंगे। नहीं नहीं अच्छा नहीं लगा। तो गाइस फाइनली अब इसका प्राइस देख लेंगे हम, 330 पर। ये बहुत अच्छा है, वाह नाइस, ये कर दो। मैम आप पैसा देख रहे हो कि कलर, ये बताओ पहले, फिर हम उसके अकॉर्डिंग आपको दिखाएंगे। दोनों देख रहे हो फिर अभी थोड़ा दिमाग से शॉपिंग करती है, तेरे जैसे बेवकूफ जैसे भी रोज शॉपिंग करते हैं। सुनो ये वाले फैब्रिक में ना, हाँ जी सस्ते वाले में वाइट दिखा दो, वाइट नहीं रहने दो, वाइट नहीं वो दिखा दो, या फिर ये कलर दिखा दो, ये कलर नहीं होना चाहिए। 330 वाले में वो कलर नहीं है गाइस, तो हम अभी साइड हूँ। दीपक बेइज्जती कर रहा है इसको, ब्लॉक में कौन वाले बनाने का पागल हो गया ये। तो इनके ऑफिस से जो जो देख रहे हैं देख लो कैसे शॉपिंग करती है।
शुगर जी मैं मजाक कर रहा हूँ, पैसे की कोई बात नहीं, पैसा बहुत है। सो आपने हम सबकी चॉइस देख ली है, मेरी चॉइस थी वाइट, तो ये लड़की की चॉइस देखो, डार्क के साथ डार्क बोल दिए ये, जो कि बिल्कुल जिंदगी में जा नहीं सकता। फिर भी क्या बोलना चाहोगे आप? ग्रे, ग्रे ब्लू नहीं लिया, ब्लू हटा दूं फिर? नहीं रख दे, ये लास्ट लास्ट में ही यही लेगी, मैं घर जाके दिखाऊं, लास्ट में यही लेगी। आपकी चॉइस कौन सी एक बार बता दो। मैं थक गई हूँ, मैं नहीं बताऊंगी कुछ भी। कितने का है ये? ये सस्ता ही है, 600 ना जाए, बाकी लेस हो जाएगा इसको। तो फाइनली हमने इनको भी कंफ्यूज कर दिया पूरा। और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ सुबह से। हाँ वो देखो, उनको हमने 10 बार बताया, वो बिल्कुल कंफ्यूज हो चुके हैं। हेलो जी, यही हमारा सो फाइनली गाइस बिलिंग काउंटर तक पहुंचे और सामान ले लिया। बहुत ही कम से कम भी दिन के 7-8 घंटे वेस्ट हो गए और फाइनली हमने आज एक कुत्ता, सॉरी कुत्ता नहीं है, वो मेरा बाबू टिम टिम लिया है और साथ में टिम टिम नाम इनको पसंद नहीं आया। तो गाइस आप लोग नाम बताओ कि हम नाम क्या रखें। गर्ल है ये, ठीक है, तो टिम टिम नाम मैंने रखा था बट इनको अच्छा नहीं लगा। और सो कल का सेलिब्रेशन देखेंगे, आज आपने प्रिपरेशन देख ली, हमने आज क्या क्या किया, पहले सामान लिया फिर गिफ्ट लिया, अब हम पहुंचते हैं घर और मैं मिलता हूँ घर जाके। तो गाइस आफ्टर शॉपिंग अब हमारी बारी है बनाने की केक, तो अब हम लोग खुद केक बना रहे हैं, हम कभी भी बाहर से केक नहीं खरीदते, वो आप ब्लॉग्स में देख चुके होंगे। ये सारा केक मैं बनाता हूँ अपने हाथों से और बहुत बड़ा झूठ है। ये सारा मटेरियल मैं अपने हाथों से खरीद के लेके आया हूँ। ये है इसका वो, ये है उसका वो और ये है उसका वो। नाम खुद गूगल में सर्च कर लो क्योंकि मुझे भी नहीं पता। ये नोजल है, ये है नोजल, ये केक का बेस रेडी करते हैं। ओके हमरे से थोड़ी देर में। ओके आपका बर्थडे मेरा तेरा उसका हो गया। आप क्या कहना चाहते हो लोगों को? मैं चाहता हूँ कि ये 100 वापस ले ले। दिवाली दिवाली है, ये ओनली बच्चों के लिए है। बच्चा रात को होता है, रात को खोलते हैं हमेशा गिफ्ट। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। आप क्या खाओगे, क्या खाओगे? खाओगे बस, आपको और कुछ काम ही नहीं है। आप क्या खाओगे?
आप क्या खाओगे? आप तो ऑलरेडी खा रहे हो। बिल्कुल। So guys, सबको मिल चुका है खाना और ये अपने फैमिली मेंबर को भूल चुके हैं। मेरे को भी दे दो प्लीज, हम नीचे बैठे हैं देखो लंगर की तरह। So hello guys, बर्थडे हो चुका है खत्म और हम लोगों ने किया बहुत ज्यादा एंजॉय। तो ये कैप अब मेरे हवाले साथी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर। यो शेयर करोगे तो हमें क्या होगा? यो बूस्ट मिलेगा। बूस्ट। तो लव यू ऑल, बाय बाय बाय।